चिंदमा शुरू होने जा रहा है। मेहरबान और कदरदान, आज का जरूरी ऐलान, सिनेमा के दौरान बच्चों के चिल्लोपों पे माताएं रखेंगे ध्यान, और कोई नहीं करेगा बगल वालों को परेशान। पेश है तीन भाइयों की मिलने और बिछड़ने की सौगात, आज का सिनेमा है यादों की बारात। VCR का नाम सुनते ही हमें अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब VCR पर फिल्म देखने के लिए किसी खास दिन का इंतजार किया जाता था। उस खास दिन के आने से पहले दोस्त पैसे इकट्ठे करते थे, क्योंकि VCR उस समय किराए पर भी इतना महंगा मिलता था कि एक व्यक्ति अकेले नहीं ले सकता था, इसलिए पैसे इकट्ठे कर VCR को किराए पर लाया जाता था। दरअसल 80 और 90 के दशक में सिनेमा देखने के अंदाज में एक बड़ा बदलाव आया। पहली बार लोगों को मनचाही फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल जाने की जरूरत खत्म हो गई। उसके बजाय घर पर ही परिवार के साथ चाय की चुस्कियों के बीच VCR, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर के माध्यम से फिल्म देखने का चलन शुरू हुआ। देखते ही देखते हर कस्बे, शहर में नुक्कड़ और चौराहों पर वीडियो कैसेट की दुकानें अनिवार्य रूप से दिखने लगी। कस्बाई शहरों और गांवों में इसने लगभग एक क्रांति का रूप धारण कर लिया। उत्तरी भारत के गांवों में शादी समारोह में नौटंकी इत्यादि की जगह VCR मंगाने की फरमाइश की जाने लगी। लोगों को सस्ते सुगम अंदाज में सिनेमाई मनोरंजनों का लुफ्त मिला। जो लाता उसकी पसंद से चलती थी फिल्म, तब VCR में चलने वाली फिल्में उसी व्यक्ति की पसंद की आती थी जो VCR लाता था या जिसके घर प्रोग्राम होता था, उसी के कहने पर VCR चलाया और बंद किया जाता था। रात को बच्चे घरों से छुपकर VCR देखने आते थे। कई बार बच्चों की इस हरकत के लिए उनकी पिटाई भी बहुत हो जाती थी। VCR की कैसेट काफी बड़ी होती थी। फिल्म देखने के बाद लोग कई महीनों तक उनके बारे में बातचीत करते रहते थे। अब VCR की केवल यादें बाकी है। VCR कभी हमारे जीवन में मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था, लेकिन अब वे केवल उसकी स्मृतियां बाकी रह गई हैं। एक समय था जब सिनेमा हॉल नहीं थे, वीडियो हॉल में VCR से फिल्में चलती थी, जहां पर टिकटों की मारामारी रहती थी। लेकिन DVD प्लेयर आने के बाद VCR का महत्व घटता चला गया। 1970 के दशक के मध्य में ये तकनीक अस्तित्व में आई थी और तकरीबन दो दशक यानी 1997 तक ये दुनिया भर में छाई रही। 1994 में सोनी ने DVD प्लेयर बनाया और 1997 में अमेरिका में इसका प्रदार्पण हुआ। उसके बाद से ही VCR और वीडियो कैसेट के चलन में गिरावट दर्ज होनी शुरू हो गई। कुल मिलाकर बदलते वक्त और बदलती तकनीक की इस दुनिया में VCR अब केवल गुजरे जमाने की बात है, मगर एक पीढ़ी की यादों का किस्सा और एक इतिहास का हिस्सा बनकर रह गई है। तो दोस्तों, ऐसी मजेदार चटपटी न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और DVD को शेयर करें, जिससे आप ये साझा करने चाहते हैं, अपनी पुरानी यादों को और भी ताजा करना चाहते हैं।